से हमने वर्कआउट किया मुख्तलिफ कट ऑफ पे, हमने रिजल्ट दी के कितने नंबर्स जो है वो हमारे एडजस्ट होते हैं अगर हम कट ऑफ को नीचे करते हैं। तो हम जो डिपार्टमेंट जिस वक्त जो रिकमेंडेशन बना रहा है उसमें पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि 45 वाला शर्त हम खत्म कर रहे हैं। खत्म तो कैबिनेट करेगी, डिसीजन कैबिनेट देगी, मगर जो हमारी रिकमेंडेशन है वो हम बना रहे हैं उसमें ये है कि 45 जो सब्जेक्ट वाली शर्त है उसको खत्म कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि 45 की शर्त रखने से हमें ये पता चला कि हमें हाईएस्ट मैथ में जिसने मार्क्स ऑप्टेन किए वो भी हमारे सिस्टम में हमें पता चल गया। साइंस का जो टीचर कौन क्वालिफाई कर सकता है साइंस में, अगर किसी ने साइंस में और मैथ में 80-80% मार्क्स लिए, अगर वो हिसाबियात में या अपने जनरल नॉलेज में उसने 2-3 मार्क्स लिए या वो परसेंटेज लो है तो ज्यादा है उसके साथ, तो इसलिए 45 का शर्त खत्म करने की रिकमेंडेशन है। और दूसरा इसमें यह है कि खास तौर पे जो हमारी फीमेल जो एप्लीकेंट है जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी 40 तक हमारा है कि हम 40 तक रिकमेंड करें। हार्ड एरिया 40 तक है तो लड़कियों की, वैसे भी हमारे पास गर्ल्स जो है वो बहुत पीछे है खासतौर पर देहात में, उनके पास गर्ल्स स्कूल्स की भी कमी है, वहां पे एक्सेस का भी मसला है, उनके पहुंचने का भी, गर्ल्स टीचर की भी हमारे पास वैसे भी कमी है। तो इस हवाले से हमने सोचा है कि उसको हम 40 पे ले आए और हार्ड एरियाज के लिए वैसे भी हमने 40 पे रखा हुआ है और उसमें 5 मार्क्स कम कर सकते हैं, मगर वो 45 वाली जो सब्जेक्ट की शर्त है वो सबके लिए खत्म करने की रिकमेंडेशन हमने बनाई है जो हम कैबिनेट में ले जाएंगे। कैबिनेट उसको अप्रूव करेगी और 40 तक जो है वो लड़कियों के लिए आएंगे और जो गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये हमारी रिकमेंडेशन।